हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो है मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छी वर्किंग स्ट्रेटजी है जो मैंने खुद अपनाई, अडॉप्ट की उस स्ट्रेटजी को, और उससे जो है मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तो ये स्ट्रेटजी है आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, रैंक को इम्प्रूव करने के लिए इन द नीट पीजी नेक्स्ट और द मैरो ग्रैंड टेस्ट, क्योंकि नेक्स्ट तो साल में एक बार ही होता है, तो हम खुद को एनालाइज करने के लिए तो ग्रैंड टेस्ट ही देंगे या फिर मॉक टेस्ट देंगे। उनमें जो स्कोर है हमारा वो ही डिसाइड करता है आपका नेक्स्ट के स्कोर को। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक नई ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, एक ऐसी नई स्ट्रेटजी जो कि आपके स्कोर को डायरेक्टली बहुत ही फास्ट तरीके से इंक्रीज करेगी, और ये मेरे केस में बहुत ही वर्किंग स्ट्रेटजी थी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं नीट पीजी और नेक्स्ट से रिलेटेड स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स एंड अपडेट्स की वीडियोस बनाता हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो मैंने ग्रैंड टेस्ट दिया था लास्ट टाइम, उसमें आपका जो मेरा स्कोर था वो मेरी पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद मैंने अराउंड 10 डेज के बाद एक और ग्रैंड टेस्ट दिया, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको रेगुलर ग्रैंड टेस्ट देने पड़ेंगे अपने खुद को एनालाइज करने के लिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। तो अब जो मैंने ग्रैंड टेस्ट दिया उसमें मेरा स्कोर आया 345। तो अब मेरा स्कोर जो है 345 है, डिस्पाइट आई हैव नॉट कम्प्लीटेड फोर्थ ईयर सब्जेक्ट्स कम्प्लीटली। तो अब जो है मुझे ये लगा कि अभी उतना जो है स्पीड नहीं पकड़ा है प्रिपरेशन, उतनी स्पीड से नहीं हो रहा है जितनी स्पीड से होना चाहिए टू एक्सेल। एक्सेल का मतलब क्या आ जाता है नीट पीजी में, अगर आपका रैंक आ रहा है अंडर 1000 तो आप एक्सेल, हम उसको मानते हैं कि आपने एक्सेल किया है, क्योंकि अंडर 1000 रैंक में आपको बहुत अच्छी सीट मिल जाती है। तो ये जो मेरा स्कोर था वो बहुत इतना अच्छा नहीं था जितना मुझे एक्सपेक्टेड था। तो मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाई, मैंने क्या किया कि मैराथन प्रैक्टिस अपनाया। मैराथन प्रैक्टिस क्या होता है, इसमें आप एक वीक लीजिए, उसमें आप जो आपका रोज़ का जो आप जितना डिसाइड करके रखते हैं कि आज मैं इतना पढ़ूंगा, उससे अलग आप तीन या मिनिमम 3 या उससे ज़्यादा वीडियोज़ आप एक सब्जेक्ट की देखिए। जैसे कि मैंने चूज़ किया था मेडिसिन मैराथन, क्योंकि उसकी वीडियोस बहुत सारी है, तो मैंने डिसाइड किया कि मेडिसिन मैराथन वीक होगा, तो उसमें मैंने 3 वीडियोस रोज़ मेडिसिन की डिस्पाइट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द डेली गोल्स। तो मैंने मेडिसिन की रोज़ 3 वीडियो की, तो 21 वीडियोस हो गई टोटल 1 वीक में। तो उससे जो है बहुत ही बूस्ट आ गया, एक यूनिट जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई, अब जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड आएंगे वो ठीक होने चाहिए। तो ये जो मैराथन की स्ट्रेटजी मैंने अपनाई विद इन 1 वीक, आप आगे देखेंगे इस वीडियो में कि उसका क्या रिजल्ट आता है। लेकिन उससे पहले मैं दूसरी स्ट्रेटजी आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि आप जितना ज़्यादा सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे और रिटेन करेंगे नॉलेज को, आपकी उतना ही स्कोर बढ़ेगा। अगर आपका 2 या 3 सब्जेक्ट ही अच्छे हैं तो ये आपका स्कोर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट्स ही कम किए हैं तो आप बाकी सब्जेक्ट्स के ईजी क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं। तो आपको जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं और उनको रिटेन करना है इन्फॉर्मेशन को। तीसरी जो स्ट्रेटजी है वो है कि आप लैपटॉप पे ही दीजिए टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप लैपटॉप पे ही ग्रैंड टेस्ट दीजिए। इट सिमुलेट्स द फील और सिमुलेट्स द रियल एग्ज़ाम, आपको रियल एग्ज़ाम का फील आता है और आप उसको सीरियसली करते हैं। तो देख, आप देख सकते हैं कि जो ये स्क्रीनशॉट लिया है ये लैपटॉप का ही है, मैंने मोबाइल से क्लिक किया है लैपटॉप से, जब लैपटॉप पे स्कोर आया तो मैंने क्लिक करके इस वीडियो के अंदर डाल दिया। तो ये 3 स्ट्रेटजी है जो अभी तक मैंने अडॉप्ट की और मैं इन पे काम कर रहा हूँ और मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ उससे। पहली क्या मैंने बताई,
बट फर्स्ट इज अ सब्जेक्ट मैराथन। जैसे मैंने मेडिसिन का मैराथन चूज़ किया, तो आप अकॉर्डिंगली कोई भी सब्जेक्ट का चूज़ कर सकते हैं जो आपका कम हुआ है या फिर वीक है। तो आपने मैराथन किया, मेडिसिन मैराथन या कोई और मैराथन, विद इन वन वीक। अब बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लेंगे ऑफ वन मंथ, तो आप बहुत ज़्यादा ईजिली बोर हो जाओगे इससे। तो फर्स्ट इज़ मैराथन सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट मैराथन। सेकेंड वॉज़ कि आप लैपटॉप पे ग्रैंड टेस्ट दीजिए। थर्ड इज़ मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम मिल सके बाद में। तो अब भी इन स्ट्रेटजीज को अपनाया मैंने 10 दिन, और 10 दिन के बाद जब मैंने ग्रैंड टेस्ट दिया, तब उसमें मेरा रिजल्ट आप देख सकते हैं। इट वॉज़ गेन ऑफ अराउंड 59 मार्क्स। मेरा स्कोर नेक्स्ट टेस्ट में रहा 404 out of 800। तो आप ये स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं और जो है आप अपना रैंक और स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 600 से अबव आपके मार्क्स जाने लग जाएंगे, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई पीजी सीट जो है मिल जाएगी, एक अच्छी क्लिनिकल सीट, क्लिनिकल सब्जेक्ट की आपको सीट मिल जानी चाहिए अगर आपका 600 अबव स्कोर जाता है आउट ऑफ 800। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आप मेरी बताई हुई स्ट्रेटजीज पे काम करेंगे और अपने स्कोर को इम्प्रूव करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट लेटेस्ट नीट पीजी अपडेट्स एंड स्ट्रेटजीज। थैंक यू।